दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारी जोरों शोर से कर रही हैं। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के तमाम नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं और पार्टी को इसका फायदा होता दिख रहा है। ताजे आंकड़े और सर्वे संकेत दे रहे हैं कि चुनाव ऐलान के बाद बीजेपी के वोट शेयर में 8% का इजाफा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी के वोट शेयर में बदलाव दिख रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट शेयरों में पिछले 2 दिन में 1% की कमी आई है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 31-34% हो गया है। मतलब साफ है कि दिल्ली में अगर बीजेपी का वोट शेयर ऐसा ही बढ़ता रहा तो कमल खिल जाएगा। इस बार के चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून पर बीजेपी और दूसरे दलों में आर पार की लड़ाई है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन भी वोट शेयर पर असर डालते दिख रहे हैं। इस लिहाज से दिल्ली का चुनाव बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कड़ा मुकाबला साबित होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54.30% वोट शेयर थे, जबकि बीजेपी के पास केवल 32.3% ही वोट थे। वहीं 2015 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9.07% ही वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।